छोड़ हाय फ्रेंड्स, आज मेरे चैनल है और मेरे चैनल को एक लाइक करना, एक सब्सक्राइब और शेयर करना और लाइक करना। बाय बाय यू फ्रेंड्स, आज मेरे चैनल है फ्रेंड्स, मेरे चैनल को एक लाइक करना फ्रेंड्स। और आज मेरा एक चैनल है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बिल्कुल ठीक, हम भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक। तो लास्ट लाइक डेज 14 तो फरुख का बर्थडे है, लेकिन फरुख ड्यूटी पे है बिकॉज ऑफ रमज़ान। रमज़ान के लाइक जैसे जैसे डेज आगे आगे जा रहे हैं तो टाइमिंग हो रही है काफ़ी लॉन्ग, तो इस वजह से फरुख ने तो घर पे स्टे नहीं किया। तो फरूद ऑफ वगैरह कुछ भी नहीं लिया, फरूद चले गए ड्यूटी पे। और जब फरूद ड्यूटी पे चले गए तो हमने ना लाइक केक वगैरह कुछ भी नहीं कट किया, क्योंकि जिसने केक कट करना है वो तो घर पे है ही नहीं। तो अब जो है करना था ये, मामा कर रही थी कुकिंग, मामा ने बनाना था धुआँ गोश्त, लाइक गोश्त, लेकिन हम लोग अभी जो फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगे वो है धुआँ चिकन। तो मामा ने बनाना था, तो आज उन्होंने इतने सारे क्लोथ्स धोए। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं बनाती हूँ, तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है, खैर मामा भी फर्स्ट टाइम ही बना रही थी, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ और आप लोगों के साथ करूँगी रेसिपी को शेयर। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और कमेंट्स जो होते हैं ना, उससे लाइक थोड़ा सा खुशी मिल जाती है कि आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, कैसी नहीं लगी। अगर आज की रेसिपी और ये जो लाइक बना हुआ आपको अच्छा लगेगा तो आप लोगों ने डेफिनेटली मुझे कॉमेंट्स में बताना है। मैं तो कभी कभी खाना बनाती हूँ तो लाइक अच्छा लगेगा ना, ताकि ये एक टाइम ऐसा होगा कि कॉमेंट्स अच्छे अच्छे रीड करके मुझे होगा कि मुझे कंटिन्यू बनाना अच्छा लगे। तो इस वजह से मैं आप लोग के कमेंट्स का करूँगी बहुत सारा इंतज़ार। और चले हम लोग बनाते हैं। अब पहले तो ही मैंने मामा का फ़ोन रखा हुआ है अपने सामने, इस मैंने भी लाइक फेसबुक पे शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से देखना है। तो वहाँ से देखते हुए देखते हैं आगे आगे बनता कैसा है। ये लिया मैंने, ये सब तीन चीज़ें ली हैं, और ये है रेड चिली, और ये है सफ़ेद ज़ीरा, और यह है मेथी दाना। होप ये जो मैंने बोला होगा बिल्कुल एक्यूरेट होगा। मैंने ये रखी है, देखची रख दी है स्टोव के ऊपर, लाइट बहुत लाइट सा स्टीम है, इसको सिर्फ स्टीम मुझे लगवाना है और फिर दोबारा से इसको अंदर देखची से निकाल देना है और इसको फिर मैंने चॉप करना है। मैंने इसको लाइक देखची में डाल दिया, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और अभी इसकी जैसे ही खुशबू आने लगेगी ना, तो इसको दोबारा निकालना है और इसको ग्राइंड करना है, इसको बिल्कुल चॉप कर लेना है। तो इसकी जो है ऑलमोस्ट खुशबू आ रही है और मैं इसको ग्राइंड करने लगी हूँ। मैंने इसमें डाल दिया है, अब मुझे इसको ग्राइंड करना है। ये बहुत ज़्यादा अनटाइडी हो रहा है क्योंकि इसको क्लीन नहीं किया हुआ, तो इसको अभी क्लीन करना है। तो अभी इसको जो है ग्राइंड करना है। ये इसको इतना करा है मैंने, इसको इतना ही करना है, इसको बिल्कुल बारीक नहीं करना। ये हैं ग्रीन चिली 4 और अब मैंने इसको ग्राइंड करना है। ये मैंने लाइक इसको इतना कर लिया क्योंकि इसको ज़्यादा नहीं करना था बारीक, तो अब इसको मैंने करना है और इसका पेस्ट बनाना है। अच्छी रखी है, इसमें मैंने डालना है, मैंने पेस्ट बनाया है ग्रीन चिली का। इसमें मैंने अब करना है ऐड लौंग और गरम लौंग, और पूछती हूँ मामा से। लौंग और वो ब्लैक कलर की जो होती है काली मिर्च, वो डालनी है साबुत। वैसे मुझे 4 लौंग निकालने हैं, और ये मैंने निकालना है गरम मसाला, और काली इलायची और हरी इलायची वो डालनी। यहाँ पे मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है और इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। मेरे लिए बना रही हूँ टैंग जूस साथ में, के साथ साथ मुझे एनर्जी मिल जाए। कभी कभी बनाती हूँ तो BP लो हो जाता है बनाते टाइम मेरा। का है गरम, इसमें करना है चिकन को ऐड, और
ठीक है ना, ऐड कर दिया। आप भले मटन का बनाएं, गोश्त का बनाएं, जिसका भी बनाना है आप बना सकते हो, बिल्कुल विद सेम रेसिपी। अब आपने इतना पकाना है कि गोश्त का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और अलहदा हो जाए। मैंने ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसका पानी नहीं होना है ड्राई, आप देख सकते हैं कि वो बॉयल्स आ रहे हैं इसके अंदर। तो जब तक मैंने रखे हुए हैं अनियंस, तो अनियन को मैं कर लेती हूँ ग्राइंड, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप अदरक लहसुन के बाद मुझे अनियन की ही नीड होगी, तो मैं इसको करने लगी हूँ चॉप। मैंने कर दिए हैं चॉप। मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। पानी रह गया है बहुत ही कम, इसमें मैं करूँगी टेबलस्पून टू। लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद मैंने ये जो दोनों चीज़ें रखी हुई हैं, ये दोनों चीज़ें मैंने इसी में ऐड कर ली हैं। इसमें जो अनियन का पेस्ट बना था वो डालेंगे। फिर ग्रीन चिली का जो था वो डालेंगे पेस्ट। और इसके बाद जो फर्स्ट हमने पाउडर बनाया था क्या मम्मा, वो ऐड करेंगे गरम मसाले का। हरी मिर्चों का तो आपने कर दिया ना। अच्छा, हरी मिर्ची और प्याज का पेस्ट है। हाँ, अब इसके बाद आपने वो डालना है गरम मसाले का, वो जो ये वाला भी ऐड कर दो जी। बस मैं पानी को अब ऐड, पानी जो है मामा ने डाल दिया है। अब इसके अंदर सारी चीज़ें जो जाएंगी वो है नमक, हल्दी और गरम मसाला। इसको देखना है कि जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएगा बस, फिर देन लेकिन अब ऐसा लाइक इस तरह का हो गया है। और अब इसमें मैंने ऐड करना है दही। इसमें दही को ऐड कर दिया, मैं इसको करने लगी हूँ मिक्स। और अब जो है इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी, जब तक के लिए ऑयल ऊपर ना आ जाए। पे ऑयल ऊपर आ चुका है और ये मैंने रखा हुआ है कोयला। और अब मैंने डालना है इसमें अदरक, ग्रीन चिली और धनिया। और उसके बाद देना है मैंने कोयले का दम। इसको जो है कोयला वगैरह जो था फ्राइज मैंने एंड में रखवाया। मैंने अनियन को कर दिया कट और अब मैं इस पर सिर्फ अनियन डालूंगी। जो है फाइनल लुक है, अभी मैंने शान भाई को कहा आप इसको डालो और ये गर्म हो रहा, तो मैं इसमें थोड़ी सी डालूंगी प्याज। अब ये खा के बताएंगे कि कैसा लग रहा है। तो ये तो बर्थडे बॉयज के लिए बनाया है स्पेशली, लेकिन वो तो है नहीं, तो अभी बस ये डालेंगे और उसके बाद पता चलेगा कैसा बना है। तो ये जो है इस तरह का बना है, और ये जब खाएंगे शान भाई तो ये या मामा ही बताएंगे कि कैसा बना है, क्योंकि मैं ये नहीं खा रही हूँ, मेरा भरा हुआ पेट। और मीकू जो है बहुत एक्साइटेड है खाने के लिए, उसकी अम्मा कभी कभी बनाती है ना इसीलिए। तो मीकू बड़े हो जाओ फिर खा लेना। मीकू मीकू वो तो मुझे देख ही नहीं रहा, सालन रोटी को नीचे देख रहा है बस। से पूछते हैं कैसा बना है शानवी, कैसा बना है, तेज बोलना। बहुत अच्छा यार, इतना मुझे अच्छा लगता है ना मेरी तारीफ जब होती है। मिकी तू जब बड़ा हो जाएगा ना, बड़ा होके यही बना के दूंगी मिकी को। मिकू तो बस रो रहा है। अच्छा